ओम ज्ञानतिम रामदस्य ज्ञानायन शलाकया चक्षुर्नयनमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं लं पंगुलंघयते गिरीं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन कारणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरी प्रिय बहन भाइयों, भजन प्रेमी जनों, सभी को मेरे प्रणाम। जय गोपाल। और सभी का अभिनंदन करता हूँ कि प्रभात सभा में, आज की सभा में केवल और केवल एक ही भजन है आप लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन ये भाव विभोर कर देने वाला भजन है, क्योंकि ये भजन ही गोपी भाव में है और इसको जानने के लिए बहुत शुद्ध भावना होनी चाहिए, तभी हमारे हृदय पटल में प्रवेश कर पाती है जो सच्चाई है, जो बात है, अन्यथा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे भी इसे सुनेंगे, जिस प्रकार से भी सुनेंगे, समझेंगे, आपको लाभ तो अवश्य ही मिलेगा। जय गोपाल। लीजिए तो इस भजन को सुनिए। सखीरी जिन भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर प्रयास करते हैं, लेकिन शायद ही उन्हें दर्शनों की प्राप्ति हो, या बड़ी कठिन तपस्या से, भक्ति से, ज्ञान से। लेकिन गोपियां इतनी भाग्यशाली ब्रजभूमि के अंदर श्याम सुंदर के दर्शन करती थी। दर्शन ही नहीं, उनके साथ में नृत्य करती थी, हंसी मजाक करती थी, बड़ी भाग्यशाली थी। इस भजन में एक गोपी दूसरी गोपी को कुछ उपदेश जैसे कर रही है, सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे इन भावों को बड़ी आसानी से। कोई कठिनता नहीं है, सरल भाव है। सखीरी मेरी नंद भवन मत जाना, सखीरी मेरी नंद भवन मत जाना। भागवत में कथा है, आपने सुना होगा सत्संग में, भोलेनाथ शंभु भगवान भी कैलाश पर्वत छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गोकुल में आए थे। नंद भवन में एक बाल योगी का रूप बना करके और किसी बहाने से उन्होंने भगवान के दर्शन किए। ऐसी और भी कथा भागवत में है। महाराज के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ बड़े लालायित हो उठे थे, लेकिन पार्वती जी ने कोई युक्ति बतलाई कि वहां मर्दों का प्रवेश तो नहीं है, लेकिन आप जिद पकड़ते हैं तो एक काम करती हूँ, मैं आपको गोपी का बाना देती हूँ, गोपी वेश धारण करवा देती हूँ, ताकि आप गोपी भाव से ही वहां प्रवेश करें। सत्य तो यही है, गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है भक्ति का, और गोपी भाव जिसके हृदय में प्रकट नहीं हो वो भगवान के साथ नृत्य नहीं कर सकता। सखीरी मेरी नंद भवन मत जाना, नंद भवन मत जाना, नंद भवन मत जाना, सखी नंद भवन मत जाना, सखी मेरी नंद भवन मत जाना, सखी मेरी नंद भवन मत जाना। आप सोच
सोचते होंगे क्या बात है, नंद भवन जाने से क्यों रोक रही है। वहां तो स्वयं त्रिलोकी के नाथ भगवान श्याम सुंदर विराजे हुए हैं। वहां जाने से जितना परम लाभ मिलता है जीवन का कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर ये सखी क्यों मना कर रही है अपनी प्रिय सखी को, ये रहस्य इस भजन में है। सखी मेरी नंद भवन मत जाना, नंद भवन में नंद को छोना, नंद भवन में नंद को छोना, रूप रंग को खजाना, रूप रंग को खजाना। सखी मेरी नंद भवन मत जाना, सखी मेरी नंद भवन मत जाना, नंद भवन में नंद को छोना, नंद भवन नंद को छोना, रूप रंग को खजाना, रूप रंग को खजाना। सखी मेरी नंद भवन मत जाना, रोक दिया। सखी भी आश्चर्यचकित होकर सुनने लगी कि ऐसी क्या बात है नंद भवन में। कहती है कि वहां पर जो नंद को लाला है, वो रूप और रंग को खजानो है, वहां मत जाना। क्या रूपवान से इतनी भयभीत हो जाती थी सखियां? भगवान श्याम सुंदर तो परम रूपवान है। सखी मेरी नंद भवन मत जाना, नंद भवन में नंद भवन में नंद को छोना, रूप रंग को खजाना, रूप रंग को खजाना। सखी मेरी नंद भवन नंद भवन नहीं जाना, मत लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात। सखी मेरी नंद भवन मत जाना, सारे गम पदन सतानी दाता मगर सर सर सगारेगा। सखी मेरी नंद भवन मत जाना, बलदाऊ जी को छोड़ो भैया, बलदाऊ एक बात थोड़ी है कई बातें हैं, बलदाऊ जी को छोड़ो भैया, जाए तो नजर बचाना, जाए तो नजर बचाना, मुरली बजाए ओ मुरली बजाए और मुस्काए, मुरली बजाए और मुस्काए, वाते ना अखियां मिलाना, वाते ना अखियां मिलाना। सखी मेरी नंद भवन नहीं जाना, सखी मेरी नंद भवन नहीं जाना, सखी मेरी नंद भवन नहीं जाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। सखी मेरी नंद भवन मत जाना,
यदि मेरी माँ ने सुख पाएगी, यदि मेरी माँ ने सुख पाएगी, नाम है वाटो काना, नाम है वाटो काना, नाम है वाटो काना, मीठी 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 बतियन में नहीं आना, मीठी मीठी बतियन में नहीं आना, पड़े बहुत पछताना, पड़े बहुत पछताना, सखी नंद भवन नहीं जाना, नंद भवन नहीं जाना, यदि मेरी माँ ने सुख पाएगी, यदि मेरी माँ ने सुख पाएगी, नाम है वाको काना, मीठी मीठी बतियन में नहीं आना, पड़े बहुत पछताना, सखी मेरी नंद भवन मत जाना, नंद भवन, नंद भवन मत जाना सखीरी, नंद भवन मत जाना सखीरी, नंद भवन मत जाना सखीरी, नंद भवन मत जाना सखीरी मेरी, नंद भवन मत जाना, नंद भवन मत जाना, सखियन में सबसे प्यारी सखी मेरी, सखियन में सबसे प्यारी सखी मेरी, राधे जी थोड़ी मुझे लग रहा, सखियन में सबसे प्यारी सखी मेरी, धर्म है साच बताना, धर्म है साच बताना, सांख्य फकीर श्याम अति चंचल, श्याम सांख्य फकीर श्याम अति चंचल, उन संग उलझ न जाना सखी मेरी, उन संग उलझ न जाना, उन संग उलझ न जाना सखीरी मेरी, नंद भवन नहीं जाना, नंद भवन नहीं जाना सखीरी मेरी, नंद भवन नहीं जाना, नंद भवन में नंद को छोना, नंद भवन में नंद को छोना, रंग रूप को खजाना, रंग रूप को खजाना, रंग रूप को खजाना, रंग रूप को खजाना सखी, नंद भवन नहीं जाना सखी मेरी, नंद भवन नहीं जाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, सखीरी मेरी नंद भवन नहीं जाना, नंद भवन नहीं जाना, नंद भवन नहीं जाना, जय गोपाल, सखीरी मेरी नंद भवन नहीं जाना, नंद भवन में नंद को छोना, रूप रंग को खजाना, रंग रूप को खजाना, रंग रूप को खजाना सखीरी मेरी, नंद भवन नहीं जाना, बलदाव जी को छोटो भैया जाए तो नजर बचाना, बलदाव जी को छोटो भैया जाए तो नजर बचाना, मुरली बजाए और मुस्काए वाते ना अखियां मिलाना सखीरी मेरी, नंद भवन मत जाना, यदि मेरी माँ ने सुख पाएगी, यदि मेरी माँ ने सुख पाएगी, नाम है वाटो काना, मीठी मीठी बतियन में नहीं आना, पड़े बहुत पछताना सखीरी मेरी, नंद भवन नहीं जाना, सखीरी मेरी नंद भवन नहीं जाना, सखियन में सबसे प्यारी सखी मेरी, धर्म है सांच बताना, सांख फकीर श्याम अति चंचल, उन संग उलझ न जाना सखीरी मेरी, नंद भवन नहीं जाना सखीरी मेरी, नंद भवन नहीं जाना, जय गोपाल, यहीं पर कथा को विराम।
सकी।